हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, और आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये 2000 में आया था, और इसे ज़्यादातर टाइम पे आईटी एक्ट भी कहा जाता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, कंप्लीट लॉ है ये, जो कि इनेक्ट किया गया था इंडिया में ताकि प्रोवाइड किया जा सके लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को और डिजिटल सिग्नेचर को, ई ई गवर्नेंस को। और ये एम करता है कि प्रमोट करें और रेगुलेट करें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन में, कम्युनिकेशन में। और ये इंश्योर करता है कि साइबर सिक्योरिटी मिले और लीगल वैलिडिटी मिले। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आईटी एक्ट की डेफिनेशन है कि आईटी एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए, और इसमें लीगल रिकॉग्निशन दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, के मतलब लीगल माने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी और डिजिटल रिकॉर्ड ऑल्सो। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये साइबर क्राइम को भी एड्रेस करता है और ई कॉमर्स को भी ये एड्रेस करता है। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है ये एक मैथमेटिकल स्कीम होती है जिससे कि वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी डिजिटल मैसेजेस या डॉक्यूमेंट का। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक है और किसी भी तरीके से अल्टर्ड नहीं किया गया है ट्रांसमिशन के दौरान। अब की कंपोनेंट देख लेते हैं। तो पहला आता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये यूटिलाइज करता है कुछ कीज को, जैसे कि पब्लिक हो गई या फिर प्राइवेट कीज हो गई, इसके तो ये क्रिएट करता है डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हैश फंक्शन। तो ये कन्वर्ट करता है ओरिजिनल डाटा को एक फिक्स साइज की स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में, और फिर उसको एनक्रिप्ट किया जाता है सेंडर ने जो की भेजी थी उस की से, और फिर हम डिजिटल सिग्नेचर को बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल वैलिडिटी। तो लीगल रिकॉग्निशन जो है डिजिटल सिग्नेचर को मिला हुआ है, और डिजिटल सिग्नेचर की सेम वैलिडिटी है जैसे ट्रेडिशनल हैंड रिटन सिग्नेचर की होती है आईटी एक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है इसमें डिजिटलाइजेशन आता है गवर्नमेंट की प्रोसेस का, और ये एनहेंस करता है एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी सभी पर्सन को। नेक्स्ट आता है फीचर्स देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के। तो पहला आता है ऑनलाइन सर्विस। तो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं जैसे कि फाइलिंग टैक्स, ऑब्टेनिंग लाइसेंसेज या फिर एक्सेसिंग रिकॉर्ड, तो ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ई एडमिनिस्ट्रेशन। तो ई कंज्यूमर तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस स्ट्रीमलाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को, बहुत आसान कर देता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को और जल्दी कंप्लीट हो जाती है इसकी वजह से, और रिड्यूस करता है पेपर वर्क को और इम्प्रूव करता है सर्विस की डिलीवरी को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला है एट्रीब्यूशन। तो एट्रीब्यूशन में एसोसिएटिंग या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से कोई चीज़ एसोसिएट करी जाती है और एक कम्युनिकेशन किया जाता है पर्सन के द्वारा जिसने ये क्रिएट करा है, और ये इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक सब करेक्ट हैं जो इंडिविजुअल या फिर एंटिटी ने सेंड करी थी। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट की प्रोसेस में कंफर्म करना पड़ता है रिसीप्ट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के, और ये तभी किया जा सकता है जब ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है रिसीप्ट और कंफर्मेशन मैसेज सेंडर को।
नेक्स्ट आता है डिस्पैच। तो डिस्पैच जो है ये रेफर करता है कि हमने भेजा है या फिर डिलीवरी हमें हमने करी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, जो कि रिसिपिएंट को मिलना चाहिए था। आईटी एक्ट जो है ये रिकॉग्नाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, और ये कंसीडर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डिस्पैच को जब वो भेजे गए थे तभी, जब वो भेजे गए थे सेंडर के सर्वर से या फिर सिस्टम से। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है ये डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर डेटा होता है जो कि स्टोर्ड किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। ये बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है और प्रोसेस किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की मदद के साथ। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है ये ऑथेंटिकेट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, और इसमें इनक्रिप्टिंग आती है मैसेज की एक प्राइवेट की के साथ, और फिर इसे डिक्रिप्ट किया जाता है पब्लिक की के साथ, जिससे कि इंश्योर किया जा सकता है कि मैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसकी इंटेग्रिटी और जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है। अब नेक्स्ट आता है रेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो पहला है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो होती हैं ये एंटिटीज होती हैं जो कि ऑथराइज करी जाती हैं डिजिटल सिग्नेचर को इशू करने के लिए, और ये वेरीफाई करती हैं आइडेंटिटी को इंडिविजुअल्स की और ऑर्गेनाइजेशन की जो कि डिजिटल सिग्नेचर चाहते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें आता है कि आईटी एक्ट जो है एस्टेब्लिश करता है गाइडलाइंस को कि कैसे फंक्शनिंग की जाएगी, कि कैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी फंक्शन करेगी, आईटी एक्ट बताता है। इसमें रजिस्ट्रेशन आता है, उनकी ड्यूटीज आती है, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज की ड्यूटीज आती है, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट आती है, और जो कंट्रोलर होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का CAA, वो रेगुलेटरी बॉडीज को ओवरसी करता है अथॉरिटीज के थ्रू। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। तो DSC जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि सर्टिफाई करता है आइडेंटिटी को जिसका ये सिग्नेचर है, और इसकी वजह से और इसमें डिजिटल सिग्नेचर यूज किया जाता है। अब कंपोनेंट देख लेते हैं। तो पहला आता है पब्लिक की, ये पब्लिक की को हम यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट आता है प्राइवेट की, और प्राइवेट की को यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिटेल। तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जिसने सर्टिफिकेट इशू किया है। नेक्स्ट आता है इशुएंस। तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस आता है पहला, इसमें इंडिविजुअल और एंटिटीज को अप्लाई करना होता है DSC के लिए, और वहाँ से फिर इन्हें सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है इन्हें आइडेंटिफाई करती है और वेरिफिकेशन करती है, और जो भी नेसेसरी डिटेल्स होती हैं वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी करती है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर को पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सब्सक्राइबर वो इंडिविजुअल होते हैं या फिर एंटिटीज होते हैं जिन्होंने डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन किया है, जिन्होंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज। तो इसमें पहला है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट की। तो सब्सक्राइबर को ये इंश्योर करना चाहिए कि सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए अपनी प्राइवेट की को। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें इंश्योर करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी गई है डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन में वो बिल्कुल एक्यूरेट है और अप टू डेट है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग लॉस और मिसयूज। तो इसमें नोटिफाई करना पड़ता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इमीडिएटली अगर आपने आपने लॉस कर दी है या फिर आपने कोई मिसयूज करा है डिजिटल सर्टिफिकेट का। अब पेनल्टीज देख लेते हैं। तो पेनल्टीज में सबसे पहला आता है मिसयूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने अनऑथराइज्ड या फिर फॉल्स यूज करा है अपने डिजिटल सिग्नेचर का तो आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी आपको हो सकती है। नेक्स्ट आता है साइबर क्राइम के लिए पेनल्टी।
इसमें ऑफेंसेस होते हैं साइबर क्राइम में, जैसे कि हैकिंग हो गया, डेटा थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया। और इसमें जो पेनल्टी होती है उसमें आपका फाइन भी हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। इसमें ये देखा जाता है कि क्राइम कितना सीरियस है, उसके अनुसार आपको सज़ा मिलती है। नेक्स्ट आता है ऑफेंसेस। तो आईटी एक्ट में क्या क्या ऑफेंस दे रखे हैं, तो पहला है साइबर ऑफेंस। साइबर ऑफेंस में बहुत सारे क्राइम आते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट आता है नॉन कम्प्लाइज विद रेगुलेशन। अगर आप फेल हो जाते हैं किसी भी आईटी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और आपके ऊपर पेनल्टीज और सेंक्शन भी लगाए जा सकते हैं। अब समरी देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये एस्टेब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क को, ताकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को, डिजिटल सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को इंडिया के अंदर। आईटी एक्ट जो है डिफाइन करता है कि लीगल वैलिडिटी क्या रहेगी डिजिटल सिग्नेचर का और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। आईटी एक्ट रेगुलेट करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को और आउटलाइन करता है ड्यूटीज को सब्सक्राइबर की। आईटी एक्ट की वजह से एड्रेस करी जा सकती हैं पेनल्टीज, और जो ऑफेंस रिलेटेड होते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, जो ऑफेंस होते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड या फिर नॉन कम्प्लाइंस के रिलेटेड। फिर हमने समझा था कि इसके जो क्रूशल एस्पेक्ट क्या है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एंगेज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में, और इसमें इंश्योर करना पड़ता है कंपनीज को कि वो लीगल रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर रहे हैं या नहीं।